हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज जो 5.2 थी उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में बात की थी। वहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन अपन ने सीखे थे कि अपन मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, मापांक कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जिसको हिंदी में अपन कोणांक बोलते हैं। उसमें जब हर कंडीशन के लिए जब एक्स दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है या एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो कैसे कैसे हर क्वाड्रेंट के लिए आपको आर्ग्यूमेंट अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करना है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो, पहले वो वीडियो आपको देखना है, तभी आपको आगे के ये क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। आज अपन एक्सरसाइज जो 5.2 है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर जिन स्टूडेंट को पता है कि कैसे काम करना है, ठीक है, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो और या फिर बुक से आंसर मैच कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला हुआ है -√3 + i है, तो यहाँ पे आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताना है, ठीक है ना। मापांक और कोणांक दो ही चीज़ बतानी है, तो आप चाहो तो पॉलर फॉर्म भी बता ही सकते हो, है ना। तो वो कुछ इसमें पूछा नहीं है तो नहीं पूछा है तो नहीं बताना है, फालतू जब एग्जाम में आए प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस की। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका मापांक क्या आएगा, तो सबसे पहले नेसेसरी है एक्स और वाई, तो इसको एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -√3 और वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको +1, ठीक है। तो जो मॉडुलस का फॉर्मूला था मोड आर और स्मॉल आर इक्वल टू √x² + y², ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है -√3 उसका स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर 3 + 1, ठीक है, ये कितना बन गया √4, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, सारी कंडीशन बार बार नहीं बता रहा। जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट क्लास हुई थी 5.2 पे, इससे जस्ट पहले वाली क्लास, तो उसमें आपको डिस्कस किया था सारे रूल रेगुलेशन, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है और वाई आपका क्या है पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब सेकेंड केस बन रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला बन रहा है ना। एक्स तो नेगेटिव और वाई क्या हो रहा है पॉजिटिव, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था π - tan−1√y/x, π - tan−1√y/x। अब देखो वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है और एक्स की वैल्यू क्या है -√3, अब मोड की वजह से माइनस भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली क्या आएगा π - tan−1√3। अब आपको टेन वाली टेबल में जाना है, अब देखना है कि 1√3 वैल्यू कौन देता है, ठीक है। 1√3 वैल्यू आपको कौन देगा 30 डिग्री की मिलेगी, ठीक है। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे आप π/6, तो कंप्लीट इसकी पूरे tan−1√3 की वैल्यू, टेन इनवर्स है मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्या देता है, जब भी इनवर्स बनता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमेशा आपको क्या देता है, जब वैल्यू होती है तो क्या आएगा आपके पास एंगल, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब एंगल पुट करते हैं तो क्या आती है वैल्यू। तो इस पूरे कंप्लीट इस पूरे की वैल्यू tan−1√3 की वैल्यू कितनी होगी π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6π − π तो क्या बनेगा 5π/6, ठीक है ना, क्या बन जाएगा 5π/6। तो ये आपका क्या हो गया मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है 1 − iota। इसके बारे में भी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें अपन ने बात करी थी z = 1 − iota, क्योंकि मैंने जब एग्जांपल लिया था तो यही लिया था 1 + iota − 1 − iota − 1 + iota − 1 + iota 1 − iota, तो यही कंडीशन अपन ने ली थी वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है और वाई की वैल्यू कितनी है -1 है, तो इसका सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मॉडुलस, ठीक है, मापांक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो z = √z = r = क्या आ जाएगा √x² + y², तो 1 का स्क्वायर 1 − 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा √2। अब बस आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट की बन रही है, मतलब केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। जिन बच्चों को पता नहीं है कि कौन से केस की बात कर रहा हूँ तो यार पिछले वाला वीडियो देख लो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो फोर्थ वाली कंडीशन क्या बताई थी? माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो माइनस टेन इनवर्स, अब देखो वाई की वैल्यू क्या है? माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस वन। तो माइनस वन अपॉन वन क्या होगा? माइनस वन ही होगा, और मोड की वजह से ये वन क्या हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर फाइनली अपन बात करें कि वन वैल्यू टेन वाली टेबल में किसकी आती है, मतलब कितने रेडियन की आती है, तो 45 डिग्री की होती है, तो रेडियन क्या हो जाएगा? पाई बाई फोर। तो फाइनली माइनस पाई बाई फोर आपको क्या मिल चुका है? इसका आर्ग्यूमेंट मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से जल्दी जल्दी काम करना है। तो एक्सप्लेनेशन जो था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास है माइनस वन प्लस आयोटा, माइनस वन प्लस आयोटा, ठीक है। तो उसमें आपको पोलर फॉर्म भी पूछी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपके पास है माइनस वन प्लस आयोटा, क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास है माइनस वन प्लस आयोटा, अब पोलर फॉर्म भी बतानी है। तो फटाफट अगर इसको सॉल्व करें अपन, देखो तो अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है, अभी हेडिंग वेडिंग नहीं लगा रहा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर वन, वाई की वैल्यू वन है तो उसका स्क्वायर वन, तो क्या मिल जाएगा? रूट टू, क्लियर है। और अगर इसका अपन आर्ग्यूमेंट निकालें तो आर्ग्यूमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ जाएगा? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है? पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। तो पाई माइनस टेन इनवर्स, देखो अब एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें? माइनस वन है। वाई की वैल्यू कितनी है? प्लस वन है, ठीक है। रेशियो क्या बनेगा? फाइनली माइनस वन का ही बनेगा, बट अगर यहाँ पे मोड लग रहा है, ठीक है, माइनस वन का ही बनेगा बट मोड की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस वन। अब वन वैल्यू किसकी होती है रेडियन में? पाई बाई फोर की। तो टेन इनवर्स वन की जगह आ जाएगा पाई बाई फोर। तो पाई माइनस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा? थ्री पाई बाई फोर। ये लो जी, ये आ गया आर्ग्यूमेंट, ये आ गया आपका मॉडुलस। अब पोलर फॉर्म पूछिए, तो पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म क्या होती है भैया? पोलर फॉर्म होती है जेड इक्वल टू आर, ब्रैकेट में क्या लिखना है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है? आर पुट करना है। आर कितना मिला आपको? रूट टू कोस थीटा। थीटा कितना आया था? थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट। थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाई फोर, ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास है जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, बस सेम प्रोसेस करना है। अब इसका मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, तो मोड जेड इक्वल टू मोड आर। अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो वीडियो था 5.2 का, जिसमें कैसे आपको मॉडुलस निकालना है, किससे कैसे आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो उस टाइम मैंने आपको यही एग्जाम्पल लेके बताए थे, वन प्लस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और वन माइनस आयोटा। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट तो सबका क्या आएगा? अलग अलग, बट जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? माइनस वन, और y की वैल्यू कितनी है? माइनस वन, ठीक है। अगर थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू भी कितनी है? माइनस वन। तो मोड z और r आपके पास कितना आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, तो फाइनली क्या मिल जाएगा? रूट टू, ठीक है ना। फाइव जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो अब दोनों नेगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। दोनों नेगेटिव है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस बनेगा। तो माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स, अब मोड वाई अपॉन एक्स करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा? ये वन बनेगा, ठीक है। और वन वैल्यू किसकी होती है? पाई बाई फोर की, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई फोर करना है, पाई माइनस पाई बाई फोर, तो फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई बाई फोर, और बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब पोलर फॉर्म भी लिखनी है इसकी, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म लिख देते हैं। पोलर फॉर्म में क्या था बताओ? जेड इक्वल टू आर, आर कितना बना? रूट टू ब्रैकेट में कोस थीटा, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर। ये लो जी, बन गया पोलर फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। हो सकता है इसको, मतलब ये जो कोस के अंदर नेगेटिव आता है तो आपका मन करता है कि ये कोस तो नेगेटिव खा जाता है, तो आप इसको आगे प्रोसीड करके माइनस को गायब भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं,
ठीक है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाले में आपको क्या गिवन है, जेड इक्वल टू माइनस थ्री, क्या गिवन है, जेड इक्वल टू माइनस थ्री। अब आप देखोगे इसमें आयोटा की टर्म तो है ही नहीं, तो यार नहीं है तो ऐसे लिख लो ना, जीरो इंटू आयोटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। मतलब जीरो आएगा तो जीरो को पॉजिटिव ही कंसिडर करके चलते हैं, जीरो जीरो ही होता है ना, तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। अगर ये पॉइंट लिखोगे आप है ना, माइनस थ्री जीरो, तो कहाँ बनेगा, टू थ्री, मतलब माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ बनेगा ना। तो ये कंडीशन कहाँ पे आ रही है, सेकंड में आ रही है, सेकंड में आ रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइनस थ्री जीरो आएगा उस एक्स एक्सिस वाली लाइन पे आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट वाली साइड। ठीक है, तो सबसे अपन पहले निकालते हैं मापांक, मॉडुलस, वो क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस थ्री का स्क्वायर तो नाइन, प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो, तो फाइनली कितना मिल जाएगा, रूट नाइन, तो थ्री आ जाएगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो आपको पता है कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो सेकंड वाली कंडीशन क्या होगी, पाई माइनस टेन इनवर्स। अब क्या करना है, वाई अपॉन एक्स, तो वाई कितना है, जीरो, और एक्स कितना है, माइनस थ्री, तो जीरो अपॉन माइनस थ्री क्या हो जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। ठीक है, और टेन वाली टेबल में जीरो वैल्यू किसकी आती है, जीरो की आती है, तो पाई माइनस जीरो क्या आ जाएगा, फाइनली पाई आ जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, पाई आ जाएगा। अगर पोलर फॉर्म बनानी है, पोलर फॉर्म बनानी है तो क्या होगी, जेड इक्वल टू आर, आर कितना मिला, थ्री कोस थीटा, थीटा कितना मिला, पाई, प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा कितना मिला, पाई। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा वापस। ठीक है, और साइन पाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन, आयोटा तो गायब हो ही जाएगा, तो माइनस थ्री आ जाएगा वापस। ठीक है, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेवन, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन है, बस दो मिनट और लगने वाली है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, मतलब जब स्क्वायर रूट आपका नेगेटिव होगा तो अपन उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी से तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको। ठीक है, रूट थ्री प्लस आयोटा है, रूट थ्री प्लस आयोटा, तो एक्स की वैल्यू रूट थ्री, वाई की वैल्यू कितनी है, वन, तो मोड जेड या आर की वैल्यू, मतलब मॉडुलस निकाले मापांक, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, प्लस वन का स्क्वायर वन, तो रूट थ्री प्लस वन फोर, रूट फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। ठीक है, तो दोनों की दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, वन अपॉन रूट थ्री, वाई की वैल्यू वन है और एक्स की वैल्यू रूट थ्री है, और पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव नहीं होता तो मोड की वजह से पॉजिटिव बना देते अपन। ठीक है, अब वन अपॉन रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, थर्टी डिग्री की, पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट भी आ गया, पोलर फॉर्म लिखना है, जेड इक्वल टू, अब मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप पेपर में आए तो थोड़ा हेडिंग वेडिंग लगा के, एग्ज़ाम में आए तो थोड़ा ठीक से लिख लेना। ठीक है ना, जैसे मैं पहले लिख रहा था, जेड इक्वल टू आर, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर आपके पास कितना बना, टू, और थीटा कितना बना, पाई बाई सिक्स, प्लस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स। सही है, इस तरीके से बनाना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है एट्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें केवल क्या है आपके पास, आयोटा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जीरो प्लस वन इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या है, जीरो, और वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, वन, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो इसका अपन बनाते हैं आर मॉडुलस मापांक, तो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, तो रूट वन, तो वन ही आ जाएगा। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स, ये देखो अब ये पहली बार बन रहा है, वाई अपॉन एक्स क्या बन गया, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो बना है, जीरो अपॉन वन नहीं बना, जीरो अपॉन वन तो जीरो हो जाता है, लेकिन वन अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट, वन अपॉन जीरो क्या होगा भैया, इनफाइनाइट। ठीक है ना, अगर यार समझ आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेन इनवर्स यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वैल्यू कितनी कितने रेडियन की बनती है, 90 डिग्री की बनेगी, तो रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है ना, मॉडुलस पता चल गया, और आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पता चल गया। अब पोलर फॉर्म लिखनी है, तो पोलर फॉर्म क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू आर, आर कितना मिला, वन, कोस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई टू, प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। ना हो सकता है कि आंसर में आपको वन नहीं दिखे, क्योंकि वन तो मतलब मल्टीप्लाई में सबके होता ही है, तो अगर नहीं दिख रहे तो देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
तो यार ये लो बस आपकी जो एक्सरसाइज 8 है ना, सॉरी एक्सरसाइज 8 बोल रहा हूँ मैं, 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.2 है जिसमें हाउ टू फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ टू राइट पोलर फॉर्म। तो ये सारा अपन ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो, सोशल मीडियाज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेरे से अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो फ्री लाइव क्लासेज तो आप मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरी प्रोफाइल पे फॉलो कर लो, और अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ पर फ्री लाइव क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक पे मिल जाएगा, फेसबुक पेज है उसमें डेली बेसिस पे अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आपको मिल जाए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकती हूँ, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसमें मोस्टली क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस करेंगे, जब तभी डिस्कस करेंगे जब आप लोग बोलोगे कि सर इस वाले एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बता दो, एक अलग से अपन वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे जिसमें केवल अपन एग्जाम्पल्स है उनको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आप देख लो वीडियो, उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करना और साथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करना, है ना। तो एग्जाम्पल के ऊपर भी अपन एक क्लास है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो थैंक यू सो मच।